पार्टी अवर संकल्प बैच फॉर बीएससी फर्स्ट सेम ऑर्गेनिक और बच्चा पार्टी। आज का हमारा टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस में हमारी कुछ एप्लीकेशन बसती है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है स्टडी करना। तो बच्चा पार्टी, इससे जो पहले वाली एप्लीकेशन हमने की है वहां पर हमने बेसिक रिएक्टर के बारे में बात की, रिएक्टिविटी के बारे में बात की, कोई लेस रिएक्टिव था किसी रिएक्शन की तरफ या कोई तीन चार हमें कंपाउंड दे देता है तो वहां पर कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो वो चीजें हमने रेजोनेंस के थ्रू पढ़ी। बच्चा पार्टी, आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम स्टडी करेंगे एसिडिक करेक्टर के बारे में, वो कैसे रेजोनेंस के द्वारा होता है फेवरेबल या कैसे डिसाइड करता है रेजोनेंस कि कोई कंपाउंड एसिडिक है या नहीं। तो यहाँ पर बच्चों हमारे मेन दो सेगमेंट है, एक सेगमेंट में होगा बच्चों एल्कोहल फिनोल और फिनोक्साइड आयन में, और दूसरे में बच्चों होगा कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्साइलेट के एनायन के अंदर कौन ज्यादा एसिडिक होगा, यानी कि एसिडिक करेक्टर को लेके आज की हमारी एप्लीकेशन है। तो बच्चा पार्टी हेडिंग लगा लेना एसिडिक करेक्टर की, जो भी बच्चों आपका एप्लीकेशन नंबर है नोट कर लेना। अब एसिडिक करेक्टर के अगर बच्चों में बात करूंगा तो यहां पर रेजोनेंस कैसे काम आएगा, ठीक है। तो रेजोनेंस मैंने आपको पहले करवा रखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी दे रखी है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग बीएससी फर्स्ट सेम के नाम से, तो वहां से आप रेजोनेंस को देख सकते हैं। क्योंकि बच्चों अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो देखते चलोगे तो आपके लिए बेनिफिट है, चैनल विजिट करके आप देख ही चुके हैं कि बीएससी थर्ड सेम भी हम कर रहे हैं, आने वाले साल में आपको ही पढ़ना है तो वहां पर आपके लिए वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्डेड हो चुकी है, दोबारा भी रिकॉर्ड कर देंगे। बीएससी फिफ्थ सेम ऑर्गेनिक हम कर चुके हैं, इनऑर्गेनिक वहां पर चली हुई है। तो मेरे बच्चा पार्टी आज का बैच हमारा लेक्चर होगा एसिडिक करेक्टर को लेके, बच्चा नोट कर लीजिए, नोट निकाल लीजिए और वीडियो क्वालिटी आपकी है बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। तो बच्चा बात करते हैं एल्कोहल फिनोल और फिनोक्साइड में कैसे एसिडिक करेक्टर डिटरमाइन होता है, ठीक है। पहले हम इनके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाएंगे उसके बाद बात करेंगे एसिडिक करेक्टर की, ठीक है। तो पहले बच्चों एल्कोहल की बात करते हैं, देखिए ये कहते हैं ना तो आसानी से एच पॉजिटिव आयन को दे दे वो ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। अब देखो ये अल्कोहल है, ये वाला बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेगा, क्या बनेगा एल्कोक्साइड एनायन बनेगा, ये लीजिए, और एच पॉजिटिव यहां से रिलीज हो जाएगा, एल्कोक्साइड एनायन बना, H पॉजिटिव यहां से रिलीज हो गया, किसमें से एल्कोहल में से, तो ये H पॉजिटिव दे रहा है तो एसिडिक होगा, लेकिन कैसा वीक स्ट्रॉन्ग या मीडियम हमें नहीं पता, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात करेंगे फिनोल और फिनोक्साइड को लेके, वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। फिनोल के लिए देखते हैं क्या होगा, ये यहां पर ऑक्सीजन होगा, यहां पर हाइड्रोजन होगा, सबको पता है ये वाले बॉन्ड टूटे का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन होगा, है ना, और कुछ ऐसा हमें देखने को मिलेगा, दो बॉन्ड पे ऑक्सीजन के पास पहले थे, एक बॉन्ड पे और हो जाएगा, ठीक है, और एच पॉजिटिव वाला निकल जाएगा, ये हमारा बन जाएगा फिनोक्साइड आयन, ये हमारी फिनोल है। अब बात है फिनोल में, फिनोक्साइड में और एल्कोहल में, देखिए फिनोल ने H पॉजिटिव आयन दिया तो ये भी एसिडिक है, लेकिन इस एल्कोहल में, इस फिनोल में, इस फिनोक्साइड में ज्यादा एसिडिक कौन होगा, बात वो है, ठीक है। और जब बच्चा पार्टी अगर मैं स्टार्ट करता हूं हमारा रेजोनेंस का सारा खेल, देखिए बना लीजिए बच्चों यहां पर फिनोल, ठीक है, ये लीजिए, ये बन गई बच्चों हमारी फिनोल। पहले हम फिनोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे उसके बाद फिनोक्साइड की तरफ मूव करेंगे। तो मेरे बच्चा पार्टी फिनोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाने स्टार्ट कर दीजिए,
आप ये पहले कर चुके हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो मुझे करवाना पड़े। ठीक है, बनाइए मेरे बच्चा पार्टी, फिनोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करें। देखिए हाँ, अब यहाँ पर क्या कुछ होगा वो हमें सीखना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल वे में चलेंगे। देखिए लोन पेयर है, यहाँ पे आएगा डबल बोर्ड बनाने के लिए, सबको पता है। ये वाला बोर्ड जाएगा यहाँ पर, इतना ही होगा ना पहले स्टेप में। ये देखिए बैंकिंग बना दी मैंने, ये वाला बोर्ड ऐसे कैसे कोई फर्क नहीं, ये वाला ऐसे कैसे कोई फर्क नहीं। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए ऊपर, बच्चों कैसा बोर्ड आ जाएगा, ऑक्सीजन टू कार्बन जो रिंग है यहाँ पर डबल बोर्ड आ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पर होगा लेकिन ऑक्सीजन कैरी करेगा पॉजिटिव चार्ज। अब खुद सोचिए ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है, क्या उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा मेरे बच्चा पार्टी, खुद सोचिए आप ये बात। ठीक है, इसके बाद बात करें नेक्स्ट स्ट्रक्चर की, ये आएगा यहाँ पे और ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये लीजिए मेरे बच्चा पार्टी, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। ठीक है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा रिंग के साथ, उसको बना लेना इनको। ठीक है, हाइड्रोजन होगा पॉजिटिव चार्ज होगा, एक ही लोन पेयर होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ये लोन पेयर यहाँ पे आ गया और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। तीन बन चुके हैं ना, अब आगे देखो ये वाला यहाँ पे जाएगा और ये वाला जाएगा यहाँ पे, तो एक और बनेगा मेरे बच्चों, ये वाला बोर्ड यहाँ पे, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे मेरे बच्चों, तो ये वाला बोर्ड यहाँ पे बन जाएगा, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, और ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। तो ये तो हुई मेरे बच्चा फिनोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बिल्कुल ध्यान से इनको नोट कर लीजिए, फिनोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे क्या कुछ हमने यहाँ पर बनाए। ठीक है, कर लीजिए बच्चा। यहाँ पे हमने एक चीज तो देखी कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन कैसे होगा। ठीक है, अब बात करते हैं फिनोक्साइड आयन की, फिनोक्साइड आयन को ध्यान से देख लीजिए क्या है। ठीक है, ये बच्चों फिनोल की बात हुई ऊपर, अब बात करते हैं फिनोक्साइड आयन की। ठीक है, ये लीजिए फिनोक्साइड आयन, इंपोर्टेंट है बच्चों, और ये मैं बीएससी थर्ड सेम में भी आपके आएगा, उसकी वीडियो भी मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, फिर भी आपके लिए दोबारा करवा रहा हूँ। चाहे तो बीएससी थर्ड सेम में जाके एचडी करेक्टर ऑफ एल्कोहल और फिनोल के बीच में लड़ाई करवा रखी थी, एल्कोहल और फिनोल की। ठीक है, वहां पे देख लेना, वहां पे भी आपको ऐसा ही मिलेगा, कुछ चेंज नहीं मिलेगा, फिनोक्साइड आएगा। ठीक है, अब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखने पड़ेंगे सर, कितना करना पड़ेगा ये तो बता दो। तो यहाँ पे मेरे बच्चा पार्टी तीन लोन पेयर थे और नेगेटिव चार्ज था, देख लीजिए ये रहा फिनोक्साइड आयन। ठीक है, अब यहाँ पे स्टार्ट कर दे उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कीजिए बच्चा पार्टी, कैसे करोगे, बिल्कुल वैसा ही चल रहा है, बस वहां से हाइड्रोजन हटा दो, कुछ नहीं करना। तो ये वाला लोन पेयर यहाँ पे डबल बॉन्ड गई, ये वाला आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये लीजिए हमारी बेंजीन रिंग, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए, एक है यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ऑक्सीजन में बन जाएगा डबल बॉन्ड और लोन पेयर, लेकिन कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं आया इस रिंग के ऊपर, ऑक्सीजन एटम पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, दो लोन पेयर है, ठीक है, लेकिन कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं आया। ठीक है, अब ये वाला आएगा यहाँ पे और ये वाला आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला है यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर आ रहा है लोन बनाने के लिए, ये वाला ऐसे नीचे रहेगा। ठीक है, ये बेचारा है डबल बॉन्ड स्टेबल, लेकिन इस रिंग के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आया। ठीक है, अब आगे ये जाएगा यहाँ पे और ये जाएगा यहाँ पे, जैसे ऊपर किया था, ये लीजिए ये वाला यहाँ पे है, ये वाला यहाँ पे आया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये रहा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब दो बातें ध्यान से सुनो, पहली बता के तब तक इसको नोट करना, यहाँ पर भी चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने बनाए, यहाँ पर भी चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए, तो सर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो सेम है, अब फिनोल और फिनोक्साइड आयन में कौन ज्यादा एसिडिक होगा ये बताइए, सोचिए मेरे बच्चा पार्टी।
ध्यान से एक बात सुन लेना, अगर आप स्ट्रक्चर को देखोगे ना तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों के स्ट्रक्चर है। देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव दोनों स्ट्रक्चर है, ठीक है। फिनोक्साइड आयन नेगेटिव कहीं पर पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव कहीं पर पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव कहीं पर पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव कहीं पर पॉजिटिव नहीं है। तो ये स्ट्रक्चर हमारे सिर्फ नेगेटिव चार्ज के हैं, यूनी नेगेटिव चार्ज के, जबकि वो जो हमारा जो फिनोल है वो हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों के स्ट्रक्चर है। दोबारा से देख लीजिए, नोट भी कर लीजिए साथ के साथ, ठीक है। अब बच्चों बात बनेगी एल्कोहल में और फिनोल में कौन ज्यादा एसिडिक होगा। देखिए पहली बात तो एल्कोहल का कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, सिर्फ एल्कोहल है और एल्कोक्साइड आयन है, ये रहा। इस पर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई ऑक्सीजन के ऊपर, दोबारा से एच पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो जब एच पॉजिटिव रिलीज ही नहीं होगा तो ये एसिड होगा ही नहीं, पहली बात तो ये। इसकी कहानी में सिर्फ दो ही स्ट्रक्चर हमें देखने को मिले, यहाँ पर तो फिनोल के चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी और ये आसानी से एच पॉजिटिव दे भी रहा है। एच पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज तो रिंग के अंदर ही घूम रहा है, ये रहा ये रहा ये रहा। इन स्ट्रक्चर में आपने क्या देखा, नेगेटिव चार्ज तो रिंग के अंदर बिजी हो गया। जब तक नेगेटिव चार्ज बिजी है एच पॉजिटिव फ्रीली एवेलेबल है डोनेशन के लिए फिनोल के द्वारा, एल्कोहल में नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर था, कहीं पर बिजी होने के लिए जगह ही नहीं थी, तो यहाँ पर फिनोल हमारा ज्यादा एसिडिक होगा एल्कोहल से। उसका रीजन सिर्फ सिंपल सा है, फिनोल और फिनोक्साइड में जो नेगेटिव चार्ज होगा वो रिंग के अंदर बिजी हो जाएगा बेंजीन रिंग के अंदर, तो एच पॉजिटिव अवेलेबल होगा। एल्कोहल के केस में जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पर रहेगा, छोटा सा स्ट्रक्चर होगा, हाइड्रोजन को दोबारा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो ये हमारा ज्यादा एसिडिक नहीं होगा। तो मेरे बच्चा पार्टी, इस एप्लीकेशन के पार्ट में हमने देखा एसिडिक करेक्टर एल्कोहल और फिनोल का, जहां पर हमें क्या पता लगा कि जो हमारा फिनोल होता है और फिनोक्साइड आयन की हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखी और यहाँ पर फिनोल हमारा ज्यादा एसिडिक है। इसको बच्चा नोट कर लीजिए, इसी वीडियो में हम बात करेंगे हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्साइलेट एनायन की, कि उनमें कौन ज्यादा एसिडिक होगा। ये लीजिए बच्चा पार्टी स्क्रीनशॉट या नोट कर लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ। ये लीजिए बच्चा पार्टी, 1 2 3 टेक द स्क्रीनशॉट। तो आइए बच्चों अब बात करते हैं हमारे सेगमेंट 2 की, जहां पर हम बात करेंगे हमारे एसिडिक करेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों हेडिंग लगा लीजिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे एसिडिक करेक्टर शो करेगा। मैं यहाँ पर सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहा हूँ, प्लस टू में जाके दोबारा मत सोचना कि बेंजोइक एसिड भी साथ में था, यहाँ पर सिर्फ बात होगी एसिडिक करेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आइए बच्चों करते हैं इसको विस्तार। ये लीजिए ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, ठीक है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में से H पॉजिटिव निकाल दीजिए, अब कैसे निकालेंगे वो चीज देखिए। सबको पता है ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर हैं, ये वाला लोन टूटेगा, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास जाएंगे और हमारे पास क्या बचेगा, R बचेगा, ऐसे कैसे सिंगल बोन कार्बन बचेगा और यहां पर ऊपर हमारा क्या होगा, डबल बोन ऑक्सीजन होगा। अब यहां पर ये जो ऑक्सीजन आया है इसके पास कितने लोन पेयर हो जाएंगे बच्चा पार्टी, 3 यहां पर इसके पास लोन पेयर हो जाएंगे। लीजिए पहला, ये लीजिए दूसरा, ये लीजिए तीसरा, और ये रहा नेगेटिव चार्ज और एच पॉजिटिव हो जाएगा बाहर। अब यही पे सारा खेल है कि कार्बोक्सिलिक एसिड ने एच पॉजिटिव दिया और वो हमारा एसिडिक करेक्टर शो करेगा, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में इतनी ताकत नहीं है कि ये हमारा एसिडिक करेक्टर का हो सके, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड इसके ऊपर डिपेंड करेगा बच्चों, कार्बोक्सिलेट एनायन के ऊपर ही डिपेंड करेगा एसिडिक होने के लिए, ये बात दिमाग में रखिए। यहाँ पर भी दो लोन पेयर लगा लीजिए ताकि आपको दिमाग में रहे, उसी तरह बच्चों यहाँ पर भी दो लोन पेयर होंगे। अब तक ये पढ़ते आए कि जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है इसने एच पॉजिटिव आयन दिया और ये एसिडिक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसा पहले वाले सेगमेंट में हमने फिनोल और फिनोक्साइड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाकर समझा था कि
कि फिनोक्साइड एनायन के कारण फिनोल एसिडिक होता है, उसी तरह हमारा कार्बोक्सिलिक जो एसिड है वो कार्बोक्साइलेट एनायन के कारण ही एसिडिक होगा। अब वो देखिए कैसे होगा। अब बात करूंगा मैं इन दोनों के रेजोनेटिव स्ट्रक्चर की, कार्बोक्साइलेट एनायन का रेजोनेटिव स्ट्रक्चर और इस कार्बोक्सिलिक एसिड का। सिर्फ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ही बनाने हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। देखिए बच्चों, ये वाला जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये यहां पर आ सकता है डबल बॉन्ड बनाने के लिए। जैसे ही ये यहां पर डबल बॉन्ड बनाने के लिए आएगा, ये जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन वाला होगा ये वाला बॉन्ड ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर वाले के पास तीन लोन पेयर हो जाएंगे। देखिए आर हमारा ऐसे कैसे रहेगा, ये कार्बन है, डबल बॉन्ड कैसा हो जाएगा ऊंचा, यहाँ पर सिंगल हो जाएगा और लोन पेयर नंबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे तीन लोन पेयर हो जाएंगे। लोन पेयर ज्यादा या कम मत कर देना, वरना रेजोनेंस के हिसाब से सारा गलत हो जाएगा जो हमने कंडीशन की थी। ठीक है, और यहां पर आएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहां पर रह जाएगा बच्चों दो लोन पेयर। देखिए यहां पर नेगेटिव चार्ज पहले इस ऑक्सीजन के ऊपर था, अब यहां पर आ चुका है, यहां पर डबल बॉन्ड यहां पर था, अब इस ऑक्सीजन के पास आ चुका है। ये दोनों कार्बोक्सिलिक एनायन के रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की, यहां पर आप कैसे करेंगे सोचिए एक बार। वो तो कार्बोक्सिलिक एनायन का हुआ, यहां पर आप कैसे करेंगे, ठीक है ये सोचिए एक बार आप कीजिए बच्चा पार्टी, कैसे करोगे इसको। देखिए अब मैं एक बार बच्चों इस एरो को हटा देता हूं। अब हमारे पास ये है, ठीक है, अब एच पॉजिटिव निकालना था इलेक्ट्रॉन इसमें दे दीजिए। अब मैं बात करूंगा इसके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर की, ठीक है। तो बच्चों ये वाला लोन पेयर यहां पे जैसा हमने वहां पर किया था, और ये वाला लोन यहां पे। अब एक चीज दिमाग में ध्यान से देखना, ये आर है, ये कार्बन हमारा ऐसे कैसे, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन बचेगा और यहां पर आ जाएंगे तीन लोन पेयर। इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाने के लिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन यहां पर कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन को दिए, एच पॉजिटिव अब यहां पर साथ में रहेगा, ठीक है, और यहां पर ये आया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहां पे बचेगा एक लोन पेयर, ठीक है, और ये रहा हमारा लोन पेयर। बच्चों नीचे लगा देना ये लोन। अब देखिए बच्चों ये वाला स्ट्रक्चर है कार्बोक्सिलिक एसिड का और ये है हमारा कार्बोक्सिलिक एनायन का। यहां पर सिर्फ एक ही नेगेटिव चार्ज है, यूनिनेगेटिव आप बोल सकते हो, एक नेगेटिव ये रहा और दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर एक चार्ज ये रहा, यानी कि यहां पर नेगेटिव हमारा स्ट्रक्चर है, एक ही चार्ज होगा। ये बात दिमाग में रखो, जैसे फिनोक्साइड एनायन हमने बात की थी। और मैं यहां पर अगर बच्चों बात करूंगा तो यहां पर एक तो नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज स्ट्रक्चर साथ में है हमारा, ये बात दिमाग में रखना। अब यहां पर क्या है, ऑक्सीजन है, ये दोबारा से रेजोनेंस, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ चार्ज का सेपरेशन होगा, लेकिन यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, तो ये वाला तो ज्यादा कंट्रीब्यूशन करेगा रेजोनेंस के अंदर, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड के दो ही रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है, इधर वाले हमारे कार्बोक्सिलिक एनायन के हैं, तो ये वाले हमारे स्ट्रक्चर है कार्बोक्सिलिक एसिड के, ये वाला हमारा ज्यादा कंट्रीब्यूशन करेगा रेजोनेंस के अंदर, ठीक है बात लिख लेना, ज्यादा कंट्रीब्यूशन करेगा बच्चों किसके अंदर, रेजोनेंस के अंदर। और जो दूसरा स्ट्रक्चर हमारा बनेगा ये सिर्फ और सिर्फ आएगा चार्ज को सेपरेट करने में, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के केस में यूज के रह जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर बात करूंगा कार्बोक्सिलिक एनायन की, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज था ऑक्सीजन के ऊपर, ये इस एच पॉजिटिव छोटे को आसानी से खींच सकता था और एसिडिक रिएक्टर बंद कर देता, यानी कि वीक एसिड हो जाता, लेकिन इसने अपना जो नेगेटिव चार्ज था इसको ही आगे भेज दिया। अब देखिए इस ऑक्सीजन को, ये वाला तो ऑक्सीजन था और ये वाला हाइड्रोजन एड था, इस ऑक्सीजन के ऊपर जब तक नेगेटिव चार्ज रहेगा तब तक इस एच पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, लेकिन जैसे ही रेजोनेंस हुआ यहां पर नेगेटिव चार्ज दूसरे ऑक्सीजन पर चला गया और यहां पर एच पॉजिटिव के ऐड होने की जितनी भी पॉसिबिलिटी थी वो सारी की सारी खत्म हो गई। तो एच पॉजिटिव फ्री नहीं रहेगा, क्योंकि सारी की सारी कहानी तो किसके अंदर होगी, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर होगी, यानी वाटर मीडियम के अंदर होगी, ठीक है। एक्वस एनर्जी तो हमारा कैसा मीडियम होगा, H2O की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही थी। अब ये एच पॉजिटिव सॉल्यूशन के अंदर फ्री रहेगा और जब एच पॉजिटिव दोबारा अट्रैक्ट नहीं होगा तो सिस्टम हमारा कैसा हो जाएगा, एसिडिक करेक्टर का हो जाएगा।
तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा एसिडिक होता है, लेकिन बच्चा पार्टी वो किसके कारण होता है, कार्बोजाइनेट एनायन के कारण। जिस तरह हमारा फिनोल एसिडिक था वो फिनोक्साइड आयन के कारण था, और जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है वो हमारा कार्बोजाइनेट एनायन के कारण था। तो ये था बच्चों हमारा एसिडिक पार्ट। इसके बाद एक एप्लीकेशन और बचती है, वो बच्चों हम कल नई वीडियो जो आएगी उसके अंदर कर लेंगे। तब तक के लिए बच्चा पार्टी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग नाम से आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप रेजोनेंस का टॉपिक जरूर देख लीजिए, क्योंकि सारी की सारी एप्लीकेशन पार्ट हमारा रेजोनेंस का है और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, मैंने एक एक करके आपको कराई है। तब तक बच्चा पार्टी वीडियो को लाइक और शेयर करने का काम आपका है। ले लीजिए बच्चा पार्टी स्क्रीनशॉट और गुड बाय। ले लीजिए बच्चा पार्टी स्क्रीनशॉट, 1 2 3 टेक द स्क्रीनशॉट।